जय हिंद साथियों, मैं रविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आपको पता है जो ग्रुप डी है उसकी आंसर की आ चुकी है और सभी बच्चों ने अपने मार्क्स एनालाइज भी कर लिए होंगे कि आखिरकार परीक्षा में मेरे कितने सही हैं और कितने गलत और मैंने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। तो दोस्तों, आप सबको अपनी जो मार्क्स की जो काउंटिंग है वो पता चल गई होगी कि आखिरकार मेरे नंबर कितने आने हैं, ठीक है ना। आंसर की आ चुकी है तो दोस्तों उस आंसर की के एनालाइज पर बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स है उनके एनालाइज करने के बाद जो बेस्ट आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में आज AKGS रिसर्च सेंटर आपको बताने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप देखिएगा जो आपकी 2018 में जो आपकी कट ऑफ गई थी जो ग्रुप डी की, दोस्तों आप उसे देखोगे तो जो अलावा जोन था, मैं दो जोन की कट ऑफ लेके आया हूं तो आप कम या फिर ज्यादा मान लीजिए, जैसे कि कोलकाता की सबसे ज्यादा गई थी तो दोस्तों इलाहाबाद की जो 2018 में कट ऑफ गई थी आपकी, वो जो अनरिजर्व था वो आपकी कितनी गई थी, 74.5 यानी कि 74.5 गई थी, यह आपको पता है। वहीं पर जो ओबीसी था, ओबीसी की कितनी गई थी, 69.5 आपको पता होगा। यह इलाहाबाद जोन की मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इलाहाबाद जोन की जो अनरिजर्व थी 2018 में ग्रुप बी की कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो गई थी आपकी 74.5। वहीं पर आप ओबीसी को देखोगे तो कितनी गई थी मित्रों, 69.5 और वहीं पर जो आपकी अनरिजर्व है 74.5, यानी कि दोनों में आपका 5 नंबर का डिफरेंस था। वहीं पर अगर आप एससी को देखोगे तो वहां 62.9 गई थी, वहीं पर एसटी को देखोगे तो 50.1 गई थी, लेकिन जो एप्रियंटिस था उसकी बहुत ही कम यानी कि 41 गई थी। दोस्तों अगर वहीं पर आप जो सबसे ज्यादा जिस जोन की कट ऑफ गई थी दोस्तों 2018 में, अगर आप उसे देखोगे तो वह गई थी कोलकाता की। तो कोलकाता की अगर आप देख लें, यानी कि जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ थी जिस जोन की 2018 में ग्रुप डी में, तो वह कौन सी थी, कोलकाता थी, यानी कि अनरिजर्व की, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं मित्रों, तो उनकी कितनी गई थी, 80.5 गई थी। ये आपको पता है, यानी कि 2018 में जो इलाहाबाद जोन था उससे भी ज्यादा गई थी, कितने मार्क्स, 6 मार्क्स ज्यादा गई थी कोलकाता जोन की। वहीं पर आप ओबीसी देखोगे दोस्तों तो वह कितनी गई थी, 71.7, यानी कि कंपेरिजन देखा जाए इलाहाबाद और कोलकाता का, कोलकाता की काफी ज्यादा हाई थी और यह अंदाजा लगाया जाता है कि कोलकाता की सबसे ज्यादा हाई थी हर जोन में। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ थी वो आपकी कोलकाता की ही थी दोस्तों। वहीं पर ओबीसी 71.7 थी मित्रों, वहीं पर जो एसटी है आपका वो 71.6 थी, यानी कि एसटी, ओबीसी और एससी में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था मित्रों। वहीं पर आप एसटी को देखोगे तो 55.7, यहां पर फर्क जरूर देखने को मिला था, 55.7 गई थी, ठीक है ना दोस्तों। और एप्रियंटिस की कोई ज्यादा फर्क नहीं था इलाहाबाद और आपकी कोलकाता में, 41 और वहां पर आपकी 40 गई थी। तो दोस्तों इन सब के एनालाइज के बाद आप देखोगे कि आपकी जो 2018 में वैकेंसी थी, यानी कि जो ग्रुप डी की आपकी 2018 में वैकेंसी थी दोस्तों, तो उसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, 1,00,000, 1,60,00,000, 1,00,00,000 आपके भरे गए थे या नहीं, बताइए। 1,60,00,000 फॉर्म भरे गए थे ना, आप बताइए। यहां पर 1.60 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। वहीं पर अगर आप देखो दोस्तों वहां पर वैकेंसी कितनी थी, मात्र 60,000 थी। तो यह भी एक कारण था 2018 में आपका कट ऑफ हाई जाने का। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर आप 2022 में देख लीजिए, जो आपकी 2022 में जो अब ये आपकी कट ऑफ निकलेगी यह कितने पे निकलेगी, तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि 1,15,00,000 फॉर्म में केवल 1,15,00,000 है या नहीं, बताइए, है। और वहीं पर आप वैकेंसी देखोगे तो पूरी 1,00,000 वैकेंसी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 2022 की निश्चित ही कट ऑफ 2018 की तुलना में कम जाने वाली है। या तो आपको पता है दोस्तों, मेन रीजन आपको पता चल गया कि 2018 में 1,60,00,000 फॉर्म भरे गए थे, तो वहीं पर 1.60 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, वहीं पर आपकी वैकेंसी मात्र 60,000 थी। अगर वहीं पर आप 2022 में देखो तो आपके 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी आपकी 1,00,000 है। तो आप बताइए यहां पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी, यह तो सीधा सा फंडा है, आप यहां पर सीधा अंदाजा लगा सकते हो, यह तो नॉर्मल तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी। और दोस्तों यहां पर कट ऑफ को जो प्रभावित करने वाले जो आपके जो बेस है, यानी कि जो आधार, यानी कि कट ऑफ को प्रभावित कौन करेगा, जो 2022 में जो आपकी ये ग्रुप डी की जो कट ऑफ निकलेगी, तो दोस्तों इसको आपके जो प्रभावित कौन कौन से आपके आधार करेंगे उनको जरूर देखिएगा। तो आप देखोगे कि जो आपका एग्जाम आया था दोस्तों, उसमें साइंस के जो आपकी साइंस थी, एससी
जो साइंस थी, साइंस में क्या था आपके मॉडरेट टू हाई प्रश्न थे, मॉडरेट टू हाई थे या नहीं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या मॉडरेट टू हाई प्रश्न आए थे या नहीं आए थे साइंस में। तो यह भी आपके प्रभावित करेगा आपकी जो आप कट ऑफ निकलेगी 2022 की उसे। वहीं पर आप दोस्तों देखोगे आपके दूसरा जो आपका बेस है वो कौन प्रभावित करेगा, तो दोस्तों दूसरा है आपका कैटेगरी। आपका क्या करेगा दोस्तों, कैटेगरी जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसमें यह भी आपको थोड़ा सा प्रभावित करेगा कट ऑफ को लेकर। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों तीसरा आ जाता है परसेंटाइल, जो परसेंटाइल है आपका, जो परसेंटाइल है दोस्तों यह भी प्रभावित करेगा आपको कि परसेंटाइल के आधार पर चूज किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा बच्चों को, तो यह भी कट ऑफ को थोड़ा सा प्रभावित करेगा मित्रों, ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। वहीं पर आप देखोगे जोन वाइज, और जो सबसे मुख्य है यानी कि जोन वाइज जो कट ऑफ निकलेगी, जो आपकी जोन वाइज जो कट ऑफ है दोस्तों यह भी आपकी क्या करेगी, कट ऑफ को प्रभावित करेगी। आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि साइंस के मॉडरेट टू हाई आई थे इसलिए कट ऑफ यहां पर थोड़ी सी कम जाएगी, कैटेगरी आपकी यहां पर थोड़ा सा असर डालेगी कट ऑफ पर, वहीं पर जोन वाइज आपकी कट ऑफ निकलेगी तो यह भी थोड़ा सा असर छोड़ेगी आपकी 2022 की कट ऑफ पर। वहीं पर आपके परसेंटाइल के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा जो एवरेज कट ऑफ होने वाली है, जो सबसे मेन बात, जो सबसे मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के लिए, वह था 2022 की आखिरकार एवरेज कट ऑफ रहने क्या वाली है दोस्तों, तो मैं आपके की सबसे लोएस्ट क्या हो सकती है और सबसे हाईएस्ट क्या हो सकती है, मैं दोनों में आपके लिए लेकर आया हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा मित्रों, यहां पर आप देख रहे होंगे जो आपके 2022 की जो एवरेज कट ऑफ होने वाली है, किसकी, आपके 2022 की, 2018 का एनालाइज आपने देख लिया, आपको अपने नंबर 2022 के भी पता चल गया होगा क्योंकि आंसर की आ चुकी है दोस्तों। यहां पर आप देखोगे जो अनरिजल्ट है दोस्तों, उसके जो सबसे कम मैं एवरेज लेकर आया हूं, देखिए मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बता सकता कि हां इतनी ही जाएगी क्योंकि मैं गौर तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी जो एवरेज जो एनालाइज मुझको मिला है उसके आधार पर मैं आपको एवरेज जो कट ऑफ होने वाली है उसको बताने वाला हूं मित्रों। तो यहां पर जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, जो मित्र हमारे जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो लोएस्ट है वो 60 जाएगी, और उससे जो थोड़े से हाई यानी जोन वाइज है ना, ये अब डिपेंड करता है दोस्तों कि किस जोन में ये जो आपके जोन जो डिवाइडेड थे उसमें कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और उसमें कितने कितने फॉर्म यानी कि कितने बच्चे पेपर देने गए थे, यानी कि कितने कैंडिडेट थे आपके, आपके कितने कैंडिडेट थे, तो दोस्तों यह आपका डिपेंड करता है यानी कि एक जोन में कितनी पोस्ट है और उसमें उस पोस्ट पर कितने कैंडिडेट बैठे थे, तो उसके आधार पर कम और ज्यादा जोन का आपका जो मेरिट है वो जा सकता है दोस्तों। हो सकता है आप एक बात बताइए, मान लीजिए किसी जोन में आपके वैकेंसी ज्यादा है, पोस्ट ज्यादा है और वहां पर जो कैंडिडेट है वो कम पहुंचे, तो निश्चित ही बात है आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो उसी प्रकार आपके लिए एवरेज कट ऑफ में लेकर आया हूं कि जो अनरिजर्व है वो 60 से 65 जाएगी आपकी, जो अनरिजर्व कितनी है 60 से 65 जाएगी, यानी कि लोएस्ट 60 जा सकती है, वहीं पर आपकी हाइएस्ट कितनी जा सकती है 65 जा सकती है। मित्रों वहीं पर ओबीसी का आप देखोगे, जो ओबीसी है आपकी ओबीसी की कितनी जाएगी 55 से 60 जाएगी मित्रों, ओबीसी कितनी जाएगी यानी कि कम से कम 55 जा सकती है, वहीं पर अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो आपकी 60 यानी कि एवरेज कट ऑफ है ये मित्रों, ठीक है ना, 55 से 60 जा सकती है। वहीं पर आप देखोगे जो आपकी एससी है, एससी की आपकी 48 से 55 जा सकती है यानी 48 to 55 जा सकती है। वहीं पर आप देखोगे जो एसटी है, जो एसटी है उसकी 48 से 50 जाएगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि एसटी में भी अब बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं। अब यहाँ पर एप्रेंटिस आप देखोगे तो 40 से 42 यानी कि एप्रेंटिस की तो हर साल ही ऐसी रहती है मित्रों, 2018 में भी आप देखोगे तो 41 और 40 के आसपास ही रही थी। वहीं पर आप भी आप एवरेज कट ऑफ जो 2022 की देखोगे तो एप्रेंटिस की अब भी आपकी 40 से 42 ही रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सेलेक्ट हो जाए, आपको अपना पता चल गया होगा कि आखिरकार मेरे मार्क्स कितने हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपने कितने मार्क्स आपके सही बैठ रहे हैं, कितने आप नंबर लेकर आए हैं, और आप उस एवरेज कट ऑफ से मिलाइएगा क्या आप इन अंकों के बीच में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कितने की कमी है, कितने ज्यादा है, वो सब अपना जो स्कोर है वो सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपका हमको पता चल सके कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आपके क्वेरीज के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही इंफॉर्म अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो ग्रुप डी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आरआरबी का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले एकेजीएस रिसर्च सेंटर आप तक पहुंचाए, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही आरआरबी की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।